नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि नागर और आप देख रहे हैं हरि द नर्सिंग गुरु। नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली मेडिकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक श्वास की बीमारी है जिसको सामान्यतः आप दमे की बीमारी भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ अस्थमा। अस्थमा आखिर में होता क्या है? तो अस्थमा वाली कंडीशन में क्या होता है, जो आपका श्वास लेने का जो रास्ता है उसके अंदर सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से जो रास्ता है वहाँ पर बलगम का बहुत ही ज़्यादा स्त्राव होने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा स्त्राव होने की वजह से आपका जो रास्ता होगा श्वास लेने का वो सकड़ा हो जाएगा, और सकड़ा होने की वजह से आपको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। बाद में आता है एलर्जेंस। अब एलर्जेंस क्या होते हैं, जो कि एलर्जी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि आपके अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि घास हो गया और पेड़ पौधे हो गए, इसके अलावा जो जंगली घास होती हैं उसके जो परागकण हो गए, धूल हो गया, या इसके अलावा जो कॉकरोच हो गए, या जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो डैंड्रफ होती है वो हो गए, या आपने घरों के अंदर कोने में देखा होगा कि सीलन आ जाती है, तो सीलन की वजह से वहाँ पर फंगस दिखने लगता है सफ़ेद टाइप का, तो वो सूखने के बाद अगर उसको हम झाड़ेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट में घूमता रहता, जब भी हम सांस लेंगे तो हमारी श्वास नली में जाकर वो एलर्जी क्रिएट कर सकता है। तो ये जो जितने भी एलर्जेंस हैं ये अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर यानी कि इस प्रकार के कारक जो कि अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एयरवे इरिटेंट्स यानी कि जो श्वास नली को इरिटेट करने वाले, जैसे कि वायु प्रदूषण, ठंडे की वजह से, गर्मी की वजह से, वातावरणीय परिवर्तन की वजह से, या धुएं की वजह से, या परफ्यूम यूज़ करने की वजह से। कभी कभी आपने देखा होगा परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है तो आपको नाक में लगने लगता है, तो उसकी वजह से, या किसी स्मेल की वजह से भी आपको श्वास नली में इरिटेंट्स फील हो सकता है या इरिटेशन फील हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं तो अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है किसी तनाव की वजह से, या आपकी जो साइनस होते हैं वहाँ पर सूजन की वजह से, किसी प्रकार की दवाइयों की वजह से, या श्वास नली में किसी प्रकार का संक्रमण है तो उसकी वजह से, या कभी कभी जैसे आपने खाना खाया है तो वो खाना वापस से आपके गले में आ जाता है और श्वास नली में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा के अटैक बढ़ सकते हैं। किसी भी कारण की वजह से, या किसी भी एलर्जन की वजह से, या ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से आपकी श्वास नली में सूजन आने लगेगी या इन्फ्लामेशन वहाँ पर हो जाएगी, तो उसकी वजह से तीन प्रकार की कंडीशंस आपके सामने देखने को मिल सकती है। आपकी श्वास नली में क्या होगा, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, और साथ ही साथ में वहाँ पर बलगम का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, स्त्राव ज़्यादा होने लगेगा, और आपकी जो श्वास नली है वहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं उसके अंदर जकड़न होने लगेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी श्वास नली है श्वास लेने का जो रास्ता है वो सकड़ा हो जाएगा, और सकड़ा होने की वजह से आपको खांसी आने लगेगी, आपका जो साउंड है श्वास का वो सीटी जैसा सुनने को मिलता है, और श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। फिर उसके बाद में आता है साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण। लक्षणों के खांसी होने लगेगी क्योंकि बलगम ज़्यादा बन रहा है, और बलगम ज़्यादा बनने की वजह से आपको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, आपका जो साउंड है वो सीटी जैसा सुनने को मिल सकता है, और ज़्यादा बलगम की वजह से आपके छाती में भारीपन जैसा लगने लगेगा, आपकी नब्ज बढ़ने लगेगी, आपको पसीना आने लगेगा, और साथ ही साथ आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। खून में ऑक्सीजन की कमी होने का मुख्य कारण क्या है, जो आपकी श्वास नली है अगर वो सकड़ी हो जाती है तो आप सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है, और आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी त्वचा में नीलापन जैसा दिखाई देने लगेगा, और साथ ही साथ जो अस्थमा के अटैक आते हैं मॉर्निंग में भी आ सकते हैं और नाइट के अंदर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जाँचें। जांचों में सबसे फर्स्ट आता है एलर्जी टेस्ट। तो एलर्जी टेस्ट में स्किन एलर्जी टेस्ट भी होता है और ब्लड एलर्जी टेस्ट भी होता है, यानी कि आप स्किन से भी पता कर सकते हैं और ब्लड से भी पता कर सकते हैं। तो इससे ये पता पड़ जाएगा कि व्यक्ति को किस कंडीशन से या किसी वस्तु से या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में एक यंत्र होता है, एक वस्तु होती है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, डीप ब्रेथ लेनी पड़ती है, और डीप ब्रेथ लेने के साथ ही
फुल फोर्स के साथ में आपकी जो श्वास है वो छोड़नी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप श्वास छोड़ेंगे तो उससे पता पड़ेगा कि आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर सांस लेने का रास्ता सकड़ा होगा तो उतना ही श्वास कम छोड़ा जाएगा और उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपको अस्थमा तो नहीं है। देन आता उसके बाद में स्पूटम टेस्ट और ब्लड टेस्ट। स्पूटम टेस्ट से ये पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार का वहाँ पर एक तरीके से बलगम ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। या ब्लड टेस्ट के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट कितना है, उससे आपको इन्फेक्शन का पता पड़ सकता है। चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि जो लंग्स हैं, लंग्स में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर कितनी सूजन है, क्या चीज़ें, तो उसका स्ट्रक्चर का भी पता पड़ सकता है। द नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचें। जांचों में सबसे पहला आप करवा सकते हैं एलर्जी टेस्ट। इसके माध्यम से आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार की वस्तु से या चीज़ से उस व्यक्ति को एलर्जी है। तो आप स्किन के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से भी एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। सेकंड आता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होता है, एक तरीके से यंत्र होता है जिसके माध्यम से आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपका जो श्वास लेने का रास्ता है कितना सकड़ा है। तो उसमें आप जैसे कि डीप ब्रीथ लेंगे और डीप ब्रीथ लेने के बाद में उस यंत्र का जो माउथ पीस होता है उसमें लगा लेंगे और ज़्यादा फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ेंगे। तो जितना फोर्स के साथ में श्वास को छोड़ेंगे तो उसके माध्यम से पता पड़ जाएगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी अच्छी है या बुरी है। नेक्स्ट आता है चैलेंज टेस्ट। चैलेंज टेस्ट में क्या होगा, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है मेथाकोलिन और मैनिटोल। ये क्या होते हैं, हम इनहेल करते हैं और इनहेल करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा श्वास लेने का रास्ता है सकड़ा हो जाएगा। अगर इन चीज़ों की वजह से श्वास लेने का रास्ता सकड़ा हो जाता है तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति को अस्थमा है। नेक्स्ट आता है स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट के माध्यम से भी आप बलगम के बारे में पता कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है या एलर्जन तो नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट आता है एबीजी एनालिसिस यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर भी गैस पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ठीक है, बाइकार्बोनेट कितनी है, तो इसके आधार पर भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। जब भी हमारी श्वास नली के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सहेल करती बाहर की तरफ छोड़ती है। तो आप क्या करें, एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है उसको माउथ में लगा के रखें और श्वास को छोड़ें। तो वो ये यंत्र ये चीज़ बताता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कितना है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा पाया जाता है दैट मीन्स ये चीज़ इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है। देन उसके बाद में आता है चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि उसके लंग्स में किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन। इसके अंदर आता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं पंप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दवाइयाँ होती है, तो उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होती है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड का मेन काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है बेक्लोमेथाजोन। नेक्स्ट आता है ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स। अब जो ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स है उसका काम क्या है कि जो अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये 24 घंटे तक रिलीव करने का काम करेगा या उनको कंट्रोल में रखता है, और इसका एग्जांपल है मोंटेल्यूकास्ट। नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अब जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है ये क्या करता है, जो हमारा श्वास लेने का जो रास्ता है, जो एयरवे है, उसको ये ओपन करने का काम करेगा यानी कि उसको डायलेट करने का काम करता है, और इसका एग्जांपल है सालमेट्रोल। और ये जो सालमेट्रोल है यानी कि कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में यूज़ करना चाहिए। अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो ये अस्थमा के अटैक को बढ़ा सकता है, और इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो एक्यूट अस्थमा के अटैक में यूज़ नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है क्विक रिलीफ मेडिकेशंस। क्विक रिलीफ यानी कि जो जल्दी से अपना असर दिखाती हैं, तो इसके अंदर आता है इप्राटोपियम। जो इप्राटोपियम होता है वो क्या करता है, जो हमारा एयरवे है उसको रिलैक्स कर देता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अभी जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है ये ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है, जो हमारा सांस लेने का रास्ता है इसको ये फैला देगा, उसको ये डायलेट कर देगा, और इसका एग्जाम्पल है एल्बुटेरोल। नेक्स्ट आता है ओरल एंड आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि ओरली दे सकते हैं और आईवी यानी कि सर्कुलेशन में भी दे सकते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने का काम करेगा, और इसका एग्जांपल है मेथाइल प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट आता है एलर्जी मेडिकेशन, यानी कि जब भी हमको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो रहा है तो उस अस्थमा को कम करने के लिए एलर्जी मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है एलर्जी शॉट्स, तो इसको हम इम्यूनोथेरेपी भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो एलर्जन होता है उस एलर्जन की वजह से हमको अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है या घटित हो सकता है, तो उसकी वजह से जो हमारे इम्यून सिस्टम पर जो फ़र्क पड़ता है उसकी ये रिएक्शन को कम करने का काम करेगा, क्योंकि एलर्जी जो शॉट्स होता है, जो इम्यूनोथेरेपी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो एलर्जन से रिएक्शन नहीं करेगा। देन उसके बाद में क्या होगा, जो एलर्जी शॉट्स होते हैं हमको वीकली लेना पड़ता है कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, 3 से 5 साल तक ये आपको मंथली लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ओमेलिजुमैब नॉन एज जोलेर, और ये जो एक तरीके से जो इंजेक्शन होता है ये 2 से 4 सप्ताह के अंदर दिया जाता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, यानी कि जो भी एलर्जेंस हैं उसके रिएक्शन को ये कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है और ना ही हर किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल माना गया है, क्योंकि ये जब यूज़ किया जाता है जब व्यक्ति को सीवियर अस्थमा का अटैक आता है, और जो भी मेडिकेशंस हम ले रहे हैं, जो भी दवाइयां हम ले रहे हैं, उससे कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी है उसके माध्यम से क्या करेंगे हम, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे जो एयरवे है, जो श्वास लेने का रास्ता है, वहाँ पर ये क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करने के माध्यम से क्या होगा, जो हमारा श्वास लेने का रास्ता है उसमें मांसपेशी होती है जिसको बोला जाता है स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को कम करने का काम करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा श्वास लेने का रास्ता जो टाइट हो चुका था ये खुल जाएगा, और खुलने की वजह से क्या होगा, हमको सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी वो नहीं होगी, और अस्थमा का अटैक भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस। अगर इस अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उस वाली कंडीशन में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि स्टेटस अस्थमेटिक्स यानी कि आपको एक्यूट अस्थमा का अटैक झेलना पड़ सकता है, और कभी कभी रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, यानी कि आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो सकता है, और साथ ही साथ में एटेलेक्टेसिस यानी कि आपके जो लंग्स होते हैं वो कोलेप्स हो सकते हैं, यानी कि वो सिकुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका श्वास लेने का जो मार्ग है वो सकड़ा हो चुका है, और कभी कभी निमोनिया वाली कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि आपके एयरवे में बहुत सारा बलगम निकल रहा है, बहुत सारा स्त्राव हो रहा है, तो वो लंग्स में जाकर जम सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।